हेलो गाइस, होप्स आप सभी लोग ठीक होंगे और मजे में होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक नया पार्सल आया है जो कि इसमें आईकॉप की तरफ से है। ये आईकॉप टेक्नोलॉजीज की तरफ से इसमें एक मोर देन आर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर है बेसिकली, जो कि मोर देन आर्डिनो है एंड लेस देन एसबीसी इसको कह सकते हैं। आज की वीडियो में जल्दी से मैं आपको इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ और ये कुछ यूनिक चीज है। आर्डिनो की तरह ही दिखती है बट है कुछ यूनिक, आपको जल्दी से दिखाता हूँ। वीडियो को शुरू करते हैं और आपको जल्दी से इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ कैसा दिखता है। हाँ जी, तो ये कुछ ऐसा पार्सल आया था मेरे पास, ये फेडेक्स से आया। बेसिकली फेडेक्स से आया एंड इस पे जो देखो फेडेक्स से आया तो डेफिनेटली इस पे मेरे को कस्टम ड्यूटीज तो लगी ही। इनका कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं, वो लोग फोर्सफुली लगाते ही हैं उस पे। बेसिकली इस पे मेरी टैक्सेशन वगैरह लगी है अराउंड $30 की। जल्दी से अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। ये बेसिकली ये पैकेज था, काफी कुछ नहीं पैकेज है एंड उसमें ये बेसिकली सिर्फ एक बॉक्स था, कुछ इस तरीके से मेरे पास आया था। आईकॉप की तरफ से आने वाला है ये बेसिकली। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बॉक्स रहने वाला है, कुछ ज्यादा कुछ प्रिंटेड नहीं है। यहाँ पे iCop.com.tv का मतलब यहाँ पे ताइवान से है, ये कोई चाइनीज बोर्ड नहीं है। इस बार मैं आपके लिए लेके आया हूँ ताइवान से एक यूनिक सा, आप माइक्रो कंट्रोलर कह सकते हो। ताइवान से मैं आपके लिए एक नया ये यूनिक सा माइक्रो कंट्रोलर आज आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलो बिना किसी देर के जल्दी से खोल के दिखाता हूँ। कुछ ऐसे पैकिंग में आता है ये, कुशन बिल्कुल अच्छे से कुशन ही पैक करा हुआ है। यहाँ पे एक बोर्ड है, यहाँ पे एक बोर्ड है, दोनों बोर्ड बाहर निकालता हूँ, यहाँ पे साइड में रखता हूँ और अंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं है जैसे कि आप देख सकते हो, खाली है। इसी तरीके से मैं इसको वापस करके साइड में कर देता हूँ। ये दोनों बोर्ड रहने वाले हैं। चलो फिर जल्दी से इस वाले को अनबॉक्स करते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक स्टिकर लगा हुआ है, ये देख सकते हो यहाँ पे 86 ड्यूनो यहाँ पे लिखा हुआ है। अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। इन दोनों के पहले मैं आपको नाम भी बता ही देता हूँ, बट ये 86 ड्यूनो 1 है एंड ये 86 ड्यूनो 0 है। तो आपको 86 ड्यूनो आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है ये 86 ड्यूनो 0। दूसरे वाला भी खोल लेता हूँ 86 ड्यूनो प्लस, ये भी कुछ खाली सिर्फ ऐसे स्टैटिक बैग में आता है। स्टैटिक बैग में ये कुछ बोर्ड रहने वाला है। दोनों बोर्ड कुछ इस तरीके से दिखने वाले हैं। आपको आर्डिनो मेगा की याद आ रही होगी, आर्डिनो यूनो आर्डिनो मेगा जो आते हैं उन बोर्ड की तरह ही ये दोनों बोर्ड रहने वाले हैं। दोनों माइक्रो कंट्रोलर्स हैं एंड इनकी एक खास बात बताता हूँ, ये X86 वाले प्रोसेसर्स हैं। ये दोनों X86 के प्रोसेसर्स हैं। तो मैं आपको एक बार इसका हीट सिंक निकाल के प्रोसेसर दिखाता हूँ एक बार। एंड ये X86 के प्रोसेसर जो कि इंटेल के जो आपने प्रोसेसर देखे होंगे वो X86 बेस्ड आते हैं, तो वैसे ही कुछ रहने वाला है। ये आप प्रोसेसर इसका देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके का ये प्रोसेसर रहता है एंड यहीं पे प्रोसेसर है, यहीं पे रैम है एंड आई गेस ये उठ जाता है। यहाँ पे आप पिंस देख रहे हो, पिंस के थ्रू ये लगा हुआ है। तो ये प्लग एंड प्ले वाला सीन है इसमें भी, आप इसको उठाओ और दूसरा भी इसमें फिक्स कर सकते हो। कुछ ऐसा ये प्रोसेसर रहने वाला है एंड ये X86 का प्रोसेसर जो आप AMD में देखते हो या अपने जो इंटेल के प्रोसेसर वगैरह आते हैं वो वही वाले आर्किटेक्चर में ये रहने वाला है। तो ये मैंने लगा दिया X86 वाले प्रोसेसर है। X86 प्रोसेसर तो आप सोच रहे कि इस पर तो विंडोज चल सकती है। हाँ डेफिनेटली इस पर विंडोज चल सकती है बट ये उतने पावरफुल नहीं है कि मैं इसको एक SBC आपको बोलू कि ये कंप्यूटर की तरह काम करेंगे। हाँ इसमें विंडोज चल सकती है, विंडोज चलेगी बट विंडोज XP चलेगी, विंडोज 98 चलेगी, जो आज से 20 साल पहले विंडोज आती थी वो वाली इसमें चल जाएगी क्योंकि इतने ज्यादा पावरफुल ये है नहीं। और इसमें इंटीग्रेटेड GPU भी नहीं आता, तो GPU के लिए पहली बात तो इसमें तो चलेगा ही नहीं विंडोज। इसमें विंडोज चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपको एक स्लॉट दिख रहा होगा M2 की स्लॉट बोलते हैं, पता नहीं कौन से स्लॉट बोलते हैं इसको, ये स्लॉट मिलता है। यहाँ पे आप इसका इसके अलग से एक मॉड्यूल आता है जो कि एक तरीके से ग्राफिक कार्ड बोल सकते हो इसको, कि वो GPU की तरह काम करता है और उसी में एक पोर्ट देते हैं। वो मैं स्क्रीन पे कहीं यहाँ पे लगा दूंगा वो कैसा दिखता है। वो आप इसमें VGA का पोर्ट इसमें अटैच करके इसमें विंडोज भी चला सकते हो। तो एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ जल्दी से क्या क्या इसमें आपको मिलता है। यहाँ पे आप देख रहे हो सारे ये GPIO पिन वगैरह मिल जाते हैं, सारी आर्डिनो फंक्शनैलिटीज वाले हैं। इससे आप जितने प्रोजेक्ट वगैरह बना सकते हो बना सकते हो, यहाँ से पावर इन दे सकते हो। ये 6 वोल्ट टू 24 वोल्ट मतलब 6 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक इसमें आप पावर इनपुट दे सकते हो। यहाँ पे आप इसमें एक पोर्ट दे रखा है, ये दोनों एक पोर्ट है अपना लैन के लिए, इनकी अलग से एक केबल आती है वो इसमें अटैच करो, लैन के लिए आपको एक अडेप्टर उसमें मिल जाता है। वैसे ही एक USB के लिए यहाँ पे अडेप्टर है, दोनों वो भी मैं आपको यहीं कहीं दिखा दूंगा कैसे दिखते हैं वो। तो वो दोनों आपस में लगाओ और वो चालू। नेक्स्ट मिल जाते हैं यहाँ पे एक माइक्रो USB का पोर्ट मिल जाता है एंड यहाँ पे एक बटन मिल जाता है जो कि रीसेट का बटन रहने वाला है, जो कि आर्डिनो में भी आता है। और यहाँ पे मेन प्रोसेसर है कि आपको यहाँ पे दिख रही होगी 3 वोल्ट की बैटरी मिल जाती है। मतलब बैक साइड यहाँ पे आपको वापस वही पोर्ट्स मिलते हैं जहाँ पे USB के इनके कनेक्टर्स लगा सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ माइक, मतलब माइक यहाँ से अटैच कर सकते हो एंड कुछ कुछ यहाँ पे अटैच कर सकते हो। यहाँ पे ये लैन का यहाँ पे लिखा हुआ, तो लैन अटैच कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे आप एक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया इनका एक अलग से एक कार्ड आता है जो कि VGA सपोर्टेड होता है, तो VGA के थ्रू आप इस पे डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हो अगर आपको डिस्प्ले आउटपुट लेना हो तो। बाकी ये पुट्टी की हेल्प से तो चला ही सकते हो, पुट्टी की हेल्प से भी चल जाएगा। बाकी आप 86 ड्यूनो पे आते हैं, 0 वाले वर्जन पे 86
2.0 वर्जन। ऑन द फ्रंट साइड आपको यहाँ पे वापस कनेक्ट रेल्स देख रही होगी, ये दोनों जीपीआई की रेल्स है। मेन प्रोसेसर मिल जाता है, ये भी जीपीआई, एंड यहाँ पे पीसीआई का स्लॉट मिल जाता है। पीसीआई आपको हार्डवेयर एक्सेलरेटर या फिर आप अपने मदरबोर्ड पे पीसीआई का जो आप स्लॉट आता है वहां से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। तो इट्स द बेनिफिशियल थिंग की यहाँ पे पीसीआई का स्लॉट यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे रीसेट का बटन, वापस यहाँ पे यूएसबी का बटन, बाकी वही जो मैंने आपको यूएसबी का बताया, लैन का बताया, वो दोनों पोर्ट। यहाँ पे डीसी जैक मिल जाता है, ये भी आई गेस 6 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक इनपुट सपोर्ट करता है। ऑन द बैक साइड यहाँ पे आपको मिल जाएगा वापस से सीमॉस बैटरी 3 वोल्ट वाली, यहाँ पे मिल जाएगी आपको एसडी कार्ड का स्लॉट। यहाँ पे लैन के बारे में बताया था, लैन का यहाँ पोर्ट है, बाकी और कुछ यहाँ पे नहीं है, बाकी असेंबली कंपोनेंट्स हैं। तो ये दोनों इस तरीके के रहने वाले हैं। जल्दी से मैं आपको इसकी वेबसाइट दिखा देता हूँ और इसके प्रोसेसर के बारे में बता देता हूँ, क्या प्रोसेसर रहने वाला है। x86 का प्रोसेसर है। इसके मेगाहर्ट्ज़ और रैम वगैरह आपको जल्दी से वेबसाइट पर दिखाता हूँ कि वेबसाइट कैसी दिखती है एंड कहाँ से इसको। ताइवान से, मेड इन ताइवान प्रोडक्ट है दोनों के दोनों, चाइनीज प्रोडक्ट नहीं है इस बार। तो चलो सीधा वेबसाइट पे लेके चलता हूँ आपको। डोंट फॉरगेट टू चेक आउट दिस गाइस, ये है कोर एक कीचेन है, रियल इंटेल का सीपीयू है रहने वाला है। ये भी x86 पे ही बेस्ड एक प्रोसेसर है जो की इंटेल की तरफ से आता है। एज अ कीचेन इसको यूज कर सकते हो, एज अ फ्रिज मैग्नेट। देखो फ्रिज मैग्नेट आप कैसे यूज कर सकते हो, इसके पीछे एक मैग्नेट अटैच्ड है। ऐसे ये देखो मैं अपने स्पीकर पे चिपकाता हूँ, ऐसे ही चिपक जाता है। एंड काफी स्ट्रॉन्ग ये मैग्नेट रहने वाला है, देखो काफी स्ट्रॉन्ग ये मैग्नेट रहता है। इस पर आराम से आप अपनी गाड़ी की कीज लगाओ और इस पे अगर आपको फ्रिज पे चिपकाना है, फ्रिज पे चिपकाओ, आपको मेटल ऑब्जेक्ट पे चिपकाना है उस पे चिपकाओ, आप इस पे आराम से इसको चिपका सकते हो। पीछे न्यूडेनियम मैग्नेट जो होता है वो लगा रखा है, बहुत सही मैग्नेट है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। इसको चेकआउट जरूर करना, मेरे इंस्टा पे आप जाके मेरे को डीएम करो। ओनली 350 रुपीज में करंटली आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ विद होम डिलीवरी। वहाँ पे आप मुझे मैसेज करो, डीएम करो, वहाँ से आप इसको ऑर्डर करवा सकते हो और मेरे से डायरेक्टली वहाँ से बात भी कर सकते हो। तो ये कुछ इसकी वेबसाइट रहने वाली है। यहाँ पे आप देख रहे हो 4 मॉडल्स दिखा रखे हैं जो कि अभी मेरे पास है 86 Duino 0 एंड 86 Duino 1। यहाँ पे आप देख सकते हो 86 Duino 0 यहाँ पे है, 86 Duino 1 यहाँ पे है, 86 Duino 1 Plus भी आता है इनका, वो भी यहाँ पे है, एंड 86 Duino 0 Plus भी आता है, वो भी यहाँ पे है। और जो मैं आपको केबल्स के बारे में बताया था, वो केबल्स भी यहाँ पे मिल रही है $10 की, वो आप अलग से खरीद सकते हैं। मतलब वो केबल्स वगैरह जो आपको अटैच करने के लिए बताया था वो भी यहाँ पे मिल जाती है। ये $7 की भी यहाँ पे केबल्स है, एंड मतलब ये केबल्स वगैरह मिल जाती है। तो जल्दी से मैं आपको 86 Duino 0 की वेबसाइट पे ले चलता हूँ और दिखाता हूँ क्या स्पेसिफिकेशन वगैरह यहाँ पे मेंशन है, और मैं आपको बताता हूँ क्या स्पेसिफिकेशन 86 Duino वाले बोर्ड में मिलती है, 86 Duino 0 वाले बोर्ड में क्या स्पेसिफिकेशन में। तो ये वेबसाइट खुल चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हो एस्टिमेटेड प्राइस, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेटेड प्राइस है 86 Duino का $56 यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड ताइवान करेंसी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है 1846 ताइवान जो भी करेंसी है उनकी, वो एग्जैक्ट अमाउंट इन्होंने दे रखा है। फीचर्स ये देखो यहाँ पे वोर्टेक्स इनका खुद का ही प्रोसेसर है, x86 का प्रोसेसर है, ओपन सोर्स हार्डवेयर है। सपोर्टेड कौन सा है, इसमें आप डॉस चला सकते हो, विंडोज चला सकते हो एंड लिनक्स चला सकते हो, एंड आर्डिनो तो कंपेटेबल है ही, वो उसके आर्डिनो आईडी के उससे, आर्डिनो लियोनार्डो फॉर्म फैक्टर, आर्डिनो का जो लियोनार्डो आता है उसी फॉर्म फैक्टर में ही ये रहने वाला है 86 Duino 0 का बोर्ड। एक बार नीचे चल के आपको इसका प्रोसेसर के बारे में बताता हूँ कि प्रोसेसर क्या क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया x86 का प्रोसेसर रहने वाला है Vortex 86X करके EX प्रोसेसर है, 300 MHz का प्रोसेसर है, 32 bit का, एंड इसमें जो रैम मिल जाती है 128 MB की मिल जाती है, LAN एंड USB 2.0 वगैरह वगैरह ये सपोर्ट करता है, बाकी वही सेम चीजें हैं। अब मैं जल्दी से इसकी वेबसाइट पे ले चलता हूँ, 86 Duino Plus की वेबसाइट पे आपको दिखाता हूँ ये कितने का अवेलेबल हो रहा है और क्या क्या इसके फीचर्स वगैरह है। तो ये 86 Duino 1 की जो ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह है वो रहने वाली है, यहाँ पे आप देख सकते हो $92 का अप्रोक्सीमेटली प्राइस है, और इनकी जो अपनी करेंसी है उसमें एग्जैक्ट प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हो। बाकी नीचे आते हैं, प्रोसेसर एग्जैक्ट वही सेम रहने वाला है, बाकी वही सेम चीजें यहाँ पे भी डॉस विंडोज एंड लिनक्स सपोर्ट करेगा ये, बस इसमें आउटपुट डायरेक्ट नहीं मिलेगा, पुट्टी से हमें लेना पड़ेगा। तो पुट्टी से ही आपको आज तो नहीं दिखा पाऊंगा मैं इसको ओपन करके, बाकी आगे वीडियोस में दिखा दूंगा। सेम प्रोसेसर रहने वाला है, 300 MHz 32 bit एंड 128 MB की LPDDR3 की रैम रहने वाली है, और बाकी आप ये चीजें पढ़ सकते हो। प्रोसेसर वाइज दोनों सेम रहने वाले हैं, 32 bit RTOS पे चला सकते हो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, विंडोज OS चला सकते हो, लिनक्स चला सकते हो और 32 bit RTOS वगैरह वगैरह चला सकते हो। अपना पुट्टी से ही मुझे चलाना पड़ेगा, बट आज तो मैं नहीं चला पाऊंगा इसको, बट अगली वीडियो में, वीडियो क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो आज की वीडियो में इसको मैं नहीं दिखाऊंगा कि कैसे चलाना है। अगली किसी वीडियो में इन दोनों को सेपरेटली अलग अलग करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे चला सकते हैं एंड किस पर्पस के लिए बना है। बेसिकली है तो देखो आर्डिनो की तरह ही, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड तो है ये, आर्डिनो आराम से आ जाता है सस्ते में, $5-7 में आ जाता है, बट अपना जो आर्डिनो कंपेटिबल जो
अपने आते हैं डिवाइसेस वो तो सस्ते आ जाते हैं, बट आर्डिनो लिनाडे को हिसाब से जो ऑफ कोर्स आर्डिनो जो महंगे वाले आर्डिनो ओरिजिनल आर्डिनो आते हैं उस हिसाब से इसका प्राइस जो है थोड़ा सा उनके मैचिंग में ही है ऑलमोस्ट। बाकी वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आगे किसी अगली वीडियो में आपको जल्दी से इन दोनों को सेपरेटली चला के दिखाऊंगा कैसे कैसे आप यूज कर सकते हो, इन पे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी आपको बना के दिखाऊंगा कि क्या प्रोजेक्ट्स वगैरह कैसे इस पे बना सकते हैं। आर्डिनो के हिसाब से तो देखो बहुत पावरफुल प्रोसेसर दोनों रहने वाले हैं, बट एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर के हिसाब से वो इतने पावरफुल बोर्ड्स ये डेफिनेटली नहीं है, ये एक प्रॉपर एक आपको ग्राफिकल डेस्कटॉप आपको जीयूआई दे पाए। बट हाँ, इस पे आप डॉस चला सकते हो, अगर किसी को डॉस सीखना है तो डॉस चला सकते हो, लिनक्स सीखना है लिनक्स चला सकते हो, बाकी यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है विंडोज चला सकते हो, विंडोज 98 वगैरह उसमें चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में जरूर बता देना। चलते हैं, रखते हैं अगले मिलेंगे अगली किसी मजेदार सी वीडियो में, रखते हैं इस वीडियो को यहीं तक। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।